पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग के बीच अमेरिका की दिग्गज यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के प्रोफेसर स्टीव हैंक ने भारत समेत 5 देशों को सड़ा हुआ सेब बताया है। हैंक ने भारत सरकार की आलोचना भी की है। प्रोफेसर स्टीव हैंक ने आरोप लगाया कि भारत वेनेजुएला, मिस्र, सीरिया, यमन, तुर्की और चीन, ये 5 देश कोरोना वायरस डेटा के सड़े हुए सेब हैं। ये देश या तो कोरोना वायरस के आंकड़े बता नहीं रहे या बहुत ही ज्यादा संदिग्ध आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में यूनिवर्सिटी के आंकड़ों का एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें भारत को सड़ा हुआ सेब कहा गया है। हैंक ने ये चेतावनी भी दी है कि भारत बहुत कम कोरोना वायरस टेस्ट करवा रहा है और जल्द ही वहां पर इटली के जैसे हालात हो सकते हैं। प्रोफेसर की इस लिस्ट में जिन 5 देशों के नाम हैं, उनमें केवल 2 ही लोकतंत्र हैं। इसके पहले भी हैंक भारत के कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कथित तौर पर कम टेस्ट करने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि हैंक ये आरोप तब लगा रहे हैं जब भारत सरकार हर दिन कोरोना के आंकड़े जारी कर रही है। यही नहीं, भारत का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना वायरस महामारी को लेकर लगातार ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। कोरोना महामारी के बीच शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 423 कैडेट्स पास आउट हुए। शायद ऐसा पहली बार हुआ जब पासिंग परेड में पूरी दर्शक दीर्घा खाली रही, क्योंकि परेड में किसी के भी प्रवेश की इजाजत नहीं थी। IMA देहरादून के 88 साल के गौरवपूर्ण इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ कि पासिंग आउट परेड सिर्फ रस्म अदायगी रही। COVID-19 की वजह से इस बार पासिंग आउट परेड का पूरा कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से किया गया। शनिवार को पास आउट होने वाले 423 कैडेट्स में से 333 भारतीय सेना का हिस्सा बने, जबकि इनमें अन्य 90 कैडेट्स विदेशी हैं। समारोह के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की मौजूदगी में चैटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर पर कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। IMA की कठिन ट्रेनिंग के बाद पास आउट कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैच लगाने के लिए उनके माता पिता भी मौजूद नहीं रहे। पास आउट परेड में शनिवार को ऐसा पहली बार हुआ कि पीपिंग सेरेमनी के दौरान ऑफिसर्स ने जेंटलमैन कैडेट्स की वर्दी पर रैंक लगाया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने अनोखा इनोवेशन किया है। पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार को एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। रोबोट कैप्टन अर्जुन किसी भी संभावित संक्रमण से यात्रियों और कर्मचारियों की रक्षा करेगा और इसकी निगरानी बढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करेगा। कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। कैप्टन अर्जुन आने जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करता है और तापमान को डिजिटल डिस्प्ले में पैनल पर 0.5 सेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ रिकॉर्ड करता है। इस दौरान अगर तापमान तय सीमा से ज्यादा है तो अलार्म बजने लगता है। कैप्टन अर्जुन के पास सेंसर आधारित सैनिटाइजर और मास्क डिस्पेंसर भी है। रोबोट में अच्छे बैटरी बैकअप के साथ फर्श की सफाई की भी सुविधा है। इसमें रग्ड व्हील्स हैं जो किसी भी प्रकार की सतह के लिए उपयोगी हैं। कोरोना संकट के बीच मंदिरों के कपाट तो खुल गए, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में लगी घंटियों को बजाने की छूट नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें छूने से कोरोना के संक्रमण का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि मंदिरों में घंटे घंटियों को कवर कर दिया गया ताकि कोई इन्हें छुए नहीं। इस बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में एक मुस्लिम शख्स ने ऐसी तरकीब निकाली जिससे घंटी को छुए बिना ही उसे बजाया जा सकता है। दरअसल मंदसौर के रहने वाले नाहरू खान नाम के शख्स ने मंदिर की घंटी को सेंसर से जोड़ दिया है। इस सेंसर की वजह से श्रद्धालु जैसे ही इस घंटी के करीब जाते हैं या अपना हाथ उसके नजदीक ले जाते हैं, बिना छुए ही घंटी बज उठती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इससे काफी खुश नजर आए। ये घंटी सेंसर के थ्रू बजती है, जो बिना छुए सेंसर जो अंदर लगा हुआ है उससे बचती है। नई टेक्नोलॉजी देखने मिली है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, जो देखने मिला है, ये हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल है और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कर्नाटक के हावेरी जिले में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई।
यहाँ के स्थानीय मंदिर समिति द्वारा आयोजित एक धार्मिक आयोजन में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए प्रशासन से भी इजाजत नहीं ली गई थी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण सड़क के दोनों तरफ जमा थे और बीच से बैलगाड़ी गुजर रही थी। दरअसल ये श्री ब्रह्मलिंगेश्वर मंदिर के पीठासीन देवता की शोभा यात्रा थी। उत्तर कर्नाटक के कई जिलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पूर्णिमा के दिन गर्मी के मौसम के अंत के रूप में कारा हुईनीम का जश्न मनाया जाता है। ये नई फसल के लिए बुआई का सीजन होता है, इसलिए लोग बैलगाड़ी के साथ इसका जश्न मनाते हैं।